दोस्तों, चलते चलते शुक्र है आज ज़्यादा धूप नहीं है, बट हीट बहुत हो रही है। अभी मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि क्या सच्चाई है, जो डार्क लाइफ है ना दुबई की, वो अपने चैनल पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लोग दिखाते हैं भाई साहब ऐश ये वो, ऐश भी है पर डार्क लाइफ यहाँ दिखेगी आपको। बेचारी बिल्ली थक हार के सो गई है, गुड नाइट बिल्ली। हाँ जी दोस्तों, घर पे तो कभी कपड़े हमने धोए नहीं हैं, तो यहाँ पर हम अपने कपड़े वगैरह धोने आए हैं, जो हमारी ब्रश है। यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है जिसमें कि एक तरह यहाँ पे आ रहा है 22 रुपीज लेती है ये एक बार में कपड़े धोने के। और अभी मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊँ। हेलो दोस्तों, राम राम जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, यहाँ की परिस्थितियाँ, तो जो यहाँ पर रहता है ना, देखो हाँ घूमने को बहुत कुछ है पर मजबूरियाँ भी बहुत कुछ है कि हमें अपने कपड़े लत्ते खुद धोने पड़ते हैं। तो हम अभी कपड़े, ये भी दुबई लाइफ के ऊपर है कि दुबई में जो रहता है ना बंदा, वो कैसे सर्वाइव करता है। कि जैसे हम घर पर थे तो मम्मी ये धो दो, ये कपड़े धो देना, ये जीन्स धो देना, यहाँ पे टेंशन होती है कि अगर कहीं बाहर घूमने जाना है तो कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, अभी हम दिखाएंगे, हम किसी और के कैंप में जा रहे हैं कपड़े धोने, फिर जैसे होता है ना नदी पे जाते थे लोग पुराने ज़माने, ऐसे जा रहे हैं हम किसी नदी पे, तो दिखाते हैं वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, चलते चलते शुक्र है आज ज़्यादा धूप नहीं है, बट हीट बहुत हो रही है। अभी मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि क्या सच्चाई है, जो डार्क लाइफ है ना दुबई की, वो अपने चैनल पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लोग दिखाते हैं भाई साहब ऐश ये वो, ऐश भी है पर डार्क लाइफ यहाँ दिखेगी आपको, ट्रुथ, जो असली ट्रुथ है। दूसरों के कैंपों में हम जा रहे हैं, ये किसी और का कैंप है, और चलते हैं अंदर। दोस्तों, घर पर तो कभी कपड़े हमने धोए नहीं हैं, तो यहाँ पर हम अपने कपड़े वगैरह धोने आए हैं, जो हमारी ड्रेस है। यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है जिसमें कि एक तरह यहाँ पे आ रहा है 22 रुपीज लेती है ये एक बार में कपड़े धोने के। और अभी मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा इसमें कि क्या होता है। ये मेरी ड्रेस है, अपनी ड्रेस को हम इसमें डाल देते हैं, फुल अपना और कंबल, क्योंकि जो नॉर्मल हमारे जो छोटे मोटे कपड़े हैं वो हम खुद हाथ से धो लेते हैं, जरूर धोने नहीं आते हैं हमारे को, पर हम हाथ से धो लेते हैं। ये सरफ की हमने कुड़िया ली, सच बताऊँ तो उधार ली है, अगली बार जो लेगी तीन चार हमने डालना है सरफ का। कैमरा मैन को बोलूँगा आगे है, जैसे ये खुल गया मैं इधर लग गया, तो आई थिंक इसको भूलना पड़ता होगा, पता नहीं मुझे, पर मेरे को जितना सिखाया गया किसी ने, मैं सरफ सारा ही डाल रहा हूँ। और ये मैंने सरफ डाला, इसको बंद कर दिया, इसको पैसा चलता है दोस्तों, पैसा बाहर आके भी कोई नहीं था, ये ओनली फॉर दिस दराम, एक दराम, एक दराम, इसको बंद कर दिया जाए। इसको बंद करने का है, यहाँ पे सिक्का डालने का है। ये हमारी मशीन अब 13 सेकंड बाद चलने लग जाएगी, जैसे टाइमिंग अभी ये कह रहा है कि यहाँ पे हम कोई बटन नहीं दबा सकते, कोई ऑन करने का सिस्टम नहीं है, कोई रन करने का सिस्टम नहीं है, सिस्टम है ये ओनली फॉर दिस, एक दराम डाल लो, यहाँ टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी कि कितनी देर में हमारे कपड़े धुलेंगे। 23 मिनट बाद हमारे को अपने कपड़े धुले मिलेंगे दोस्तों। अभी देखो, मैं कैमरा खुद ले लेता हूँ अपने पास, ये देखो दोस्तों, ये पानी वगैरह डाल रहा है। देखो सच बताऊँ तो कभी हमने घर पे तो कपड़े धोए नहीं है, कभी नहीं, मैंने घर पे मम्मी देखी दी है, कभी नहीं मैंने कपड़े धोए हैं, बट यहाँ आके हमें खुद के कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। ये एक कैंप है, ये भी देखो एक छोटी मशीन लगी हुई है, ये भी एक छोटी मशीन है, सारा प्रोसेस सेम है, कपड़े आप डाल लो, ये सब जितनी भी इलेक्ट्रिक आइटम है ना, जो ये स्विच है, ये सब बंद कर रखे हैं, सब सिस्टम है इससे, जब आप पैसे डालोगे मशीन ऑन होएगी तभी होएगी। ये देखो दोस्तों, हमारे कैंप में ये है नहीं, तो हम दूसरों के कैंप में आए हुए हैं।
जी दोस्तों, ये दोस्त का कैंप है, हमारा एक पंजाबी दोस्त रहता है, तभी हम यहाँ पे आए हैं। दूसरों के कैंप में तो हमारी भी हिम्मत नहीं है कि हम चले जाएं, हमारा एक पंजाबी दोस्त रहता है यहाँ पर। ना दोस्तों, शाम के अगर वीडियो दिखाऊंगा ना, यहाँ पे कैरम बोर्ड का कॉम्पिटिशन होता है। चलो कैंप दिखाते हैं दूसरा, ये रियल लाइफ ऑफ द दुबई। कैंप का बाथरूम है दोस्तों, ऐसे भी हालातों में रहना पड़ता है। ये नहाने का है यहाँ पर, ये टॉयलेट है, और इधर ये इधर भी एक मशीन लगी हुई। इस पूरे कैंप में 3 मशीनें हैं पूरा ऐसे। देखो दोस्तों, ये सच्चाई है, ऐसे कैंप में रहना पड़ता है। हाँ जी दोस्तों, हम अपने दोस्त के कैंप में आ गया। जैसे आपको मैं बता रहा था कि इस कैंप में हमारा एक पंजाबी दोस्त रहता है। ये देखो रियल लाइफ, ऐसे रूम्स होते हैं लेबर लाइफ में। और आपने जैसे हमारे कैंप देखे हैं, तो हमारे कैंप बहुत सही भी है, चलो अच्छे हैं, बट ये भी बहुत अच्छे हैं यार। एक भाई यहाँ पे सो रहा है, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। ये देखो ऐसे शीशा वगैरह लगाया हुआ है, एसी उसी होती है। ये नीचे एक बिस्तर लगाया हुआ है, ये छोटा सा फ्रिज है। काश भाई भी होते तो उनसे मिलाता, पर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम भाई से मुलाकात करेंगे। चलो थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन ने मेरे को 23 मिनट दिए हैं, और 23 मिनट मैं वहाँ धूप में तो रह नहीं सकता था। तो भाई थे नहीं, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया, उन्होंने कहा मेरे रूम पे चला जाओ, रेस्ट कर ले थोड़ी देर, तो यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few minutes later. जी दोस्तों, थोड़ा देख के आ जाते हैं कि कैसे हैं कपड़ों की हालत। कोई चलो अभी सो गए थे हम, थोड़ा सा भाई से मिलाएंगे किसी दिन, वो पंजाबी भाई है ना जिनके रूम में हम रुके हुए हैं, तो मिलाते हैं अभी, थोड़ा देखते हैं बाहर जाके क्या हो रहा है। मौसम आज बहुत प्यारा है। देखो एक फैक्ट है, यहाँ की जो बिल्लियाँ हैं ना, यहाँ की बिल्लियाँ डरती नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी डरती नहीं है किसी से। रानियाँ हैं यहाँ पे, शॉर्ट्स वीडियो में देखना है, एक गाड़ी के ऊपर तो ऐसे बैठे रहते हैं ना ये यहाँ पे। ये देखो कैंप, अभी देखो दोस्तों 10 मिनट हैं। ये देखो नज़ारा आ गया, कपड़े धुल बेचारी बिल्ली थक हार के सो गई है। गुड नाइट बिल्ली। हाँ जी दोस्तों, ऐसे भी कैंप होते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा कैंप है वैसे ही है। हाँ, जहाँ बॉयज़ रहते हैं तो गंद वगैरह हमने कर रखा है, अभी वेट करेंगे हम। अरे उठ जा, उठ जा। हम रूम से आ चुके हैं देखने की भाई हमारे कपड़े धुले कि नहीं। तो अभी मात्र 3 मिनट हैं, हमारे को हमारी वॉशिंग मशीन धो के दे देगी कपड़े। आज मौसम बहुत ही अच्छा है दोस्तों की, आज सूर्य देवता जी अभी छुट्टी पे है शायद आज। देखो, और देखो दोस्तों हमें कौन मिला, ये सोफ़ा शायद इनका है जो इतनी प्यार से बैठे हैं। बैठ जाए सर हम इनके साथ। ज़्यादा पी लिया शायद इन्होंने, फोटो खींचते हैं इनके साथ। बीप बीप कर रही है, टाइम ख़त्म हो गया है। अब ये हमारे को कह रही है कि आप अपने कपड़े निकाल सकते हो। इसने वॉश भी कर दिए हैं, और दोस्तों सुखा भी दिए हैं हमारे कपड़े। ये देखो गिर लें, अभी निकालते हैं हम इनको। फाइनली दोस्तों, जिस मिशन के लिए हम गए थे, हमने अपना कंबल धो दिया है। कंबल धोने की कॉस्ट अगर बताएं तो अभी हमारे पास बस 1 दिरहम लगे हैं। और अगर आपको बाहर कहीं धुलाना है, किसी लॉन्ड्री में धुलाना है ना, तो 12 से 13 दिरहम लगेंगे। तो हमने अपने 12 दिरहम बचा लिए हैं। अगर 13 दिरहम का है तो उस 12 दिरहम का हम कुछ भी कर सकते हैं, बट हम 1 दिरहम में बहुत ही अच्छे से कंबल धुलवा भी लिया है, सूख भी गया है, वैसे भी तार पर डालना है। चलो हाँ जी, ये थी अपनी दुबई की डार्क लाइफ। अभी दिखाते हैं, अभी इसको फिलाएंगे, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो अगर आप भी कोई मेरा भाई दुबई या किसी भी कंट्री के लिए मूव ऑन हो रहा है ना, तो पहले तो भाई कपड़े धोने सीख लेना और कुछ खाना बनाना। हमारे को ना कपड़े धोने आते हैं ना खाना बनाना आता है, तो इसीलिए जब भी अपनी कंट्री से बाहर, अपनी कंट्री क्या, अपने स्टेट से भी बाहर आप जाते हो ना, तो प्लीज़ भाई घर के काम सीख लेना यार,
वरना हम तो यहाँ पे पहले पूछते वॉशिंग मशीन चलती कैसे है, तो शुक्र है वो वॉशिंग मशीन का चलने चुलने का जुगाड़ कुछ नहीं है, एक दराम डालो सारा काम वो खुद करके देगी। जी दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कैंप में, हमने अपना कंबल इधर डाल दिया है, ये हमारा कैंप है दोस्तों, जिसमें देखो ये सभी के कपड़े हैं जिन्होंने सुबह सुबह धोए। अब चलते हैं रूम की तरफ, इसको रूम में रख के आएंगे, और ये हमारा कैंप है। हेलो ड्यूटी ठीक है, घूमने अच्छा चर्च किधर है, चर्च अच्छा। ये भाई साहब हमारे मिले अभी जो कि चर्च जा रहे हैं, हम तो बहुत दिनों के मंदिर नहीं गया मैं, चलो किसी दिन चलेंगे आप सभी के साथ मंदिर, बहुत दिन हो गए हैं अब तो। अभी रूम में ये रखते हैं फिर बाहर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों वो बैग सा रख दिया रूम पे, कपड़े सुखा दिए हैं, सूखने डाल दिए हैं। अभी दोस्त को फ़ोन किया है पाजी अपने, ये देखो बाहर घूम के आते हैं थोड़ा बहुत, अभी अपने लिए भी कुछ घूम लेते हैं थोड़ा। ये दोस्तों हमारे कैंप के बाहर का व्यू, ये प्यारी सी मस्जिद, और आज संडे है तो इतना ट्रैफिक नहीं, और क्योंकि 12 बज रहे हैं अभी, 12 बजे तो वैसे ही लोग निकलते, पर आज मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है दोस्तों, देखो कितना प्यारा, प्यारी गाड़ियां जा रही है। ये अपना सुपर मार्केट है दोस्तों, तो बहुत थक चुके थे, चलो इसमें कुछ खा पीते हैं हम अंदर जाके। हाँ जी दोस्तों हमने कोल्ड ड्रिंक ले लिया है, क्योंकि देखो मेहनत बहुत करी है, अभी हमने कोल्ड ड्रिंक ली है और रूम पे जाके पियेंगे, फिर मिलते हैं दोस्तों, थक बहुत गए हम आज तो, सोएंगे अब जाके। हाँ जी दोस्तों फिर कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर ये थी हमारा दो, ये रियल लाइफ ऑफ दुबई। ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में किसी और नई जगह। जय हिंद जय भारत जय यूएई।